और अब जो कमाल खान की रिपोर्ट बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है। उत्तर प्रदेश में 4000 फर्जी टीचर पाए गए हैं, 4000, और ये 4000 टीचर मिलकर शिक्षा बजट का 10 से 15 हजार करोड़ रुपए चट कर जा रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी राशि अगर फर्जी शिक्षक पर खर्च होगी तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ कितना अन्याय हुआ होगा। या तो वो योग्य नहीं होंगे तो छात्र बर्बाद हुए होंगे, और जो टीचर बनने लायक काबिल नौजवान होंगे उन्हें नौकरी नहीं मिली होगी, कितनों के सपने बर्बाद हो गए होंगे। सिस्टम के भीतर के ये गिरोह कैसे काम करते हैं, जाने कहां कहां सफल हैं, किस किस राज्य में हैं, अंदाजा नहीं है। कमाल खान की रिपोर्ट बताती है कि फर्जी शिक्षकों की संख्या 4000 से भी अधिक हो सकती है। एक शिक्षक यूपी के 3-3 जिलों में एक साथ पढ़ाता हुआ पाया जा रहा है, और तीनों के नाम, पिता के नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब एक ही हैं। एसटीएफ ने अब तक 4000 से ज्यादा फर्जी टीचर की पहचान की है। अनिल यादव गोरखपुर के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन यही अनिल यादव सीतापुर और अंबेडकर नगर के भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। इन्होंने पहली बार जब आईटीआर दाखिल किया तो पता चला कि इनके पैन नंबर से दो और टीचर भी सैलरी पा रहे हैं, और उनके भी नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर सब वही है। अनिल यादव के होश उड़ गए कि कहीं नकली वाले इनकी हत्या कर खुद को असली अनिल यादव न साबित कर दें। मानसी बहुत उलझन थी, आईटीआर नहीं दाखिल हो पा रहा था, काफ़ी उलझन थी, डिस्टर्बेंसेस थे, हमको ही लग रहा था कहीं ऐसा ना हम ही को मुकदमा दाखिल करना पड़ जाए, या हमें को प्रूफ करना पड़ जाए कि हम ओरिजिनल हैं, या अगला दाखिल कर दे हमको डुप्लीकेट साबित करने के चक्कर में। पहले हर जिले में अलग अलग टीचर भर्ती होती थी। अनिल यादव मेधावी थे, उनका 6 जिलों में सिलेक्शन हो गया। हर जगह काउंसलिंग की, उन्होंने गोरखपुर में नौकरी ज्वाइन की, 5 जगह नहीं गए। अब देखिए कि फ्रॉड कैसे हुआ। सीतापुर और अंबेडकर नगर में जहां अनिल यादव ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, वहां दो भाइयों ने खुद को अनिल यादव बना लिया, और एक ने सीतापुर और दूसरे ने अंबेडकर नगर में अनिल यादव के नाम से नौकरी ज्वाइन कर ली। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के लोगों को मिला लिया, फिर अखबार में अनिल यादव के नाम से ऐड दिया कि उनकी सारी डिग्री खो गई है, फिर उसी ऐड की कटिंग लगा के अनिल यादव की डुप्लीकेट डिग्री बनवा ली, फिर उन डिग्रियों को जहां नौकरी मिली थी वहां से वेरीफाई करवा लिया। यही नहीं, अनिल यादव का डुप्लीकेट आधार और पैन भी बनवा लिया। लेकिन जब टीचर्स के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी किया गया तो एक ही पैन नंबर से 3 लोगों की सैलरी जारी होने से पकड़े गए। हमने अपना एप्लीकेशन बनाया, एसटीएफ लखनऊ को रिसीव करा दिया एप्लीकेशन लिख करके, तो उसके आधार पर जो है एसटीएफ लखनऊ ने हमारे एप्लीकेशन के आधार पर जाँच किया तो पता चला कि हमारे डॉक्यूमेंट पे फर्जी अध्यापक हमारे अनिल कुमार यादव के ही नाम से सीतापुर में किसी ब्लॉक में अध्यापक विद्यालय पर सर्विस कर रहा है। तो उसने उसको जो है अरेस्ट किया, और उसके अरेस्ट करने के बाद पता चला कि उसका भाई भी अंबेडकर नगर से नौकरी कर रहा था। यही कहानी गोरखपुर के खोयापट्टी प्राइमरी स्कूल के अभयलाल यादव की भी है। इनका भी कई जिलों में सिलेक्शन हो गया, लेकिन इन्होंने भी गोरखपुर में नौकरी ज्वाइन की, बाकी जगह नहीं गए। इनके नाम से भी 2 फर्जी लोग नौकरी करने लगे। पता चला तो अभयलाल के होश उड़ गए कि कहीं नकली अभयलाल इन्हें ही नकली ना साबित कर दे। बहुत डर लग रहा था सर, क्योंकि मुझे बार बार लखनऊ और सीतापुर आना जाना होता था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि जो जिसने भी ऐसा किया होगा तो सही तो रहा नहीं हो, कहीं कहीं वो इस दूसरे, डर लगता था कहीं हमारे साथ कोई घटना न हो जाए लोग, क्योंकि वो लोग सब जान गए थे। जिस दिन मैं सीतापुर गया था पहली बार तभी वो लोग विद्यालय छोड़ के चले गए थे। अभयलाल को खुद को अभयलाल साबित कराने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। उनके हर स्कूल में जांच हुई जहां वो पढ़ते थे। एसए साहब ने कमेटी बनाया और कमेटी में 3-4 लोगों को सदस्य बनाए गए, कमेटी पूरी जांच की, हमारे घर भी आई थी कमेटी, हम जहां से हाई स्कूल इंटर बीए बीएड किए थे वहां भी जांच की, उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर वो दोनों फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए गए। बाराबंकी में तो एसटीएफ ने 2 ऐसे टीचर्स को गिरफ्तार किया जो पिता पुत्र हैं। एसटीएफ का कहना है कि गिरजेश कुमार त्रिपाठी ने एक टीचर जयकुश दुबे की डिग्री लगा के 1997 में नौकरी पाई, फिर उन्होंने अपने बेटे आदित्य त्रिपाठी के बालिग होने पे 2016 में उसे एक टीचर रविशंकर त्रिपाठी की डिग्री इस्तेमाल कर नौकरी दिला दी। गिरजेश कहते हैं कि वे फर्जी नहीं है। दूसरा उन लोगों का घर का नाम है। हमको सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन के बाद बारी बारी चलती रही कि आप जो है
गिरजे साहब का नाम आ रहा है इसका मतलब आप फर्जी हैं। मैंने कहा नहीं, जैकिस दुबे हमारा नाम है, बुलाने का उपनाम गिरजे साहब हमारा जो है। एसटीएफ जब फर्जी टीचर्स की जांच में निकली तो वे कुछ यूँ मिले कि जिसके लिए कहावत है कि एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। देखते ही देखते 4000 फर्जी टीचर्स मिल गए। इनमें मथुरा में 124 फर्जी टीचर, सिद्धार्थनगर में 97, बाराबंकी में 12, अमेठी में 10, आजमगढ़ और बलरामपुर में 5-5, महाराजगंज में 4, देवरिया सुल्तानपुर में 3-3, सीतापुर और बरेली में 2-2 और अम्बेडकर नगर और गोरखपुर में 1-1 टीचर शामिल हैं। यूपी में प्राइमरी शिक्षा का बजट 65,000 करोड़ है। फर्जी टीचर्स की जांच करने वालों को अंदेशा है कि इसमें से 10,000 से 15,000 करोड़ सालाना फर्जी शिक्षकों पर खर्च होता है। जब एसटीएफ ने इस पर काम शुरू किया तो ये एक छोटी समस्या लगी, लेकिन बाद में ये जानकारी हुई कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस हैं। सबसे पहला जो अनावरण हुआ था वो मथुरा में हुआ था, जहाँ पर 85 फेक टीचर्स की बात प्रकाश में आई थी, बट दैट इज़ ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। कबीरदास ने जिन गुरुजनों के लिए लिखा है कि अगर उनके बगल में भगवान खड़े हों तो पहले गुरु का चरण छुएं, देखिए एसटीएफ उनकी क्या क्या कारस्तानी बताता है। बरेली में गिरफ्तार फर्जी टीचर उमेश कुमार और विनय कुमार 40-40 लाख रुपए सैलरी पा चुके हैं। सिद्धार्थनगर में फर्जी टीचर राकेश सिंह ने भेद खुलने के डर से बीएसए ऑफिस में चोरी करवाई, जिसमें उनकी डिग्री भी चोरी हुई। बीएसए ऑफिस के बाबू राकेश मणि को पता चला तो वो खुद राकेश सिंह को ब्लैकमेल करने लगा। इस पे राकेश सिंह ने बाबू राकेश मणि पे 2 महिलाओं से रेप का फर्जी केस करवा दिया। बिंदेश्वरी पहले शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी थे, फिर एक टीचर शशिकेश की डिग्री लगा के टीचर बन गए। सिद्धार्थनगर बीएसए के स्टेनो हरेन सिंह को कई सारे फर्जी टीचर्स की जानकारी थी। एसटीएफ का आरोप है कि उन्होंने समाज सेवी फहीम खान के नाम से एक लेटर हेड छपवा रखा था। उस लेटर हेड पे बीएसए को चिट्ठी भेजते कि फला फला फर्जी टीचर की जांच कराई जाए। जाहिर है वो चिट्ठी उनके ही दफ्तर में आती, फिर वो फर्जी टीचर्स को बुला करके वो चिट्ठी दिखा के कहते कि आपके खिलाफ जांच की मांग आई है, इस जांच को दबाने में बहुत रकम खर्च होगी। इसके बाद क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो इमेजिनेशन से ज़्यादा है, और इसलिए हर ज़िले में एक कमेटी बनाई गई है जो हर सैलरी ड्रॉ करने वाले बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट के कर्मचारी को वेरीफाई करेगा। द पर्सन इज़ टू बी वेरीफाइड एंड सर्टिफिकेट्स आर टू आल्सो टू बी वेरीफाइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी किसी कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है। यूपी में करीब 1.25 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें 2.25 करोड़ बच्चों को 6.25 लाख टीचर पढ़ाते हैं। एसटीएफ के मुताबिक फर्जी टीचर बनाने के लिए 6 तरीके टीचर्स में काफ़ी लोकप्रिय हैं। मिसाल के लिए फर्जी डिग्री से नौकरी पाना, दूसरे के नाम से नौकरी पाना, बिना अप्लाई किए फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर से नौकरी पाना, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से रिजर्वेशन से नौकरी पाना, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के कोटे से नौकरी पाना, माइनॉरिटी स्कूलों में नाकाबिल दोस्त रिश्तेदारों को नौकरी दिलाना। एसटीएफ कहती है कि यह फ्रॉड इतना ज़्यादा बड़ा है कि सबको पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम बहुत छोटी है। एसटीएफ का काम करने का तरीका अलग है, यहाँ तो बहुत छोटी टीम्स होती हैं जो काम करती हैं। हम डायरेक्शन दे सकते हैं, इतने बड़े केसेस में डायरेक्शन दिया जा सकता है और जो समस्या है उसको बता सकते हैं। बाकी तो हर डिपार्टमेंट को और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग काम करके इस पूरे समस्या को बाहर निकालना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर एक अच्छे भविष्य की इमारत खड़ी होती है, इसलिए इस बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुनियाद पोली हो तो भविष्य कैसा होगा समझा जा सकता है। गोरखपुर में सलीम खान, देवरिया में विनोद द्विवेदी, बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।